No.
से 203 तक की तिलावत की, तर्जुमा समाप्त फरमाइए। हज के चंद महीने हैं मालूम, फिर जिस शख्स ने लाजिम कर लिया उन्हें हज, तो बेहिजाब ना हो अपनी औरत से और ना गुनाह करना और ना झगड़ा करना हज के जमाने में, और जो कुछ तुम करते हो नेकी अल्लाह उसको जानता है, और सादे राह ले लिया करो कि बेशक बेहतर फायदा सादे राह का बचना है सवाल से, और मुझसे डरते रहो ऐ अक्लमंदो, कुछ गुनाह नहीं तुम पर के तलाश करो फजल अपने रब का, फिर जब तवाफ के लिए लौटो अराफात से तो याद करो अल्लाह को नजदीक मशरे हराम के, और उसको याद करो जिस तरह तुमको सिखलाया, और बेशक तुम थे उससे पहले ना वाकिफ, फिर तवाफ के लिए फिरो जहां से सब लोग फिरे, और मगफिरत चाहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है मेहरबान। फिर जब पूरे कर चुको अपने हज के काम तो याद करो अल्लाह को जैसे तुम याद करते थे अपने बाप दादों को, बल्कि उससे भी ज्यादा याद करो। फिर कोई आदमी तो कहता है कि ऐ हमारे रब दे हमको दुनिया में और उसके लिए आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और कोई उनमें कहता है ऐ हमारे रब दे हमको दुनिया को खूबी और आखिरत में भी खूबी और बचा हमको दोज़ख के अज़ाब से। इन्हीं लोगों के वास्ते है हिस्सा अपने कमाई का, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और याद करो अल्लाह को गिनती के चंद दिनों में, फिर जो कोई जल्दी चला गया तो वही दो ही दिन में, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कोई रह गया तो उस पर भी कुछ गुनाह नहीं जो कि डरता है, और डरते रहो अल्लाह से, और जान लो बेशक तुम सब उसी के पास जमा होंगे। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.